गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स, इन माय प्रीवियस वीडियो यू गॉट बेसिक नॉलेज. सो टुडे वी विल लर्न चैप्टर्स. टुडे वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर वन. चैप्टर वन है पोयम. पोयम का नाम है भोर हुई उठ जाओ बच्चों. ठीक है, यह एक कविता है. स्टूडेंट्स, अच्छी आदतें बचपन से ही हमें डाल लेनी चाहिए, है ना. यदि व्यक्ति बचपन से ही अच्छी आदतों का पालन करने लगता है तो समय के साथ साथ वह उनका आदि हो जाता है और जीवन में सुख समृद्धि भी पाता है. रात को समय पर सोने तथा सुबह जल्दी उठकर काम पर लग जाने की अवश्य आदत डाल लेनी चाहिए, है ना, क्योंकि यह एक ऐसी आदत है जो तुमको दिन भर चुस्त रखेगी तथा काम में तुम्हारा मन भी लगाएगी. इसलिए आप लोग आज से ही इस आदत का पालन करना शुरू कर दो. तो देखिए, इस कविता में क्या बताया गया है. फर्स्ट लाइन है, उसमें क्या कहा जा रहा है. भोर हुई उठ जाओ बच्चों, मन से लो ईश्वर का नाम, माता पिता के चरण छुओ, फिर शुरू करो अपना काम. इसमें बताया जा रहा है पहले पैरा में कि जैसे ही सुबह होती है उठ जाया करो बच्चों, और मन से ईश्वर का नाम लेना चाहिए और अपने मम्मी पापा का पैर छूना चाहिए, फिर उसके बाद अपना काम को शुरू करना चाहिए. सूरज से फूटी स्वर्णिम किरणें, चहक उठे बागों में पंछी, डालों पर खिल गए नए फूल, चलती चली झूमती मंद मंद हवाएं ठंडी. इसमें बोल रहा है कि सूरज से फूटी स्वर्णिम, मतलब सोने की तरह किरणें फूट रही हैं सूरज से, और बागों में पंछी चहचहा रहे हैं, और फूल जो हैं डालों पर खिल गए हैं नए नए, और धीरे धीरे ठंडी ठंडी मंद मंद हवाएं झूमते झूमते बह रही है. आलस करना अब तुम छोड़ो, नए दिन का स्वागत करो. मतलब कि आलस, जैसे सुबह सुबह उठते हो आप लोग तो आलस थोड़ा आता है ना कि अभी थोड़ा देर और सो जाऊं मैं, लेकिन आलस नहीं करना चाहिए हमें. नए दिन का स्वागत करना चाहिए कि सवेरा हो गया है, अब अपने दिन की शुरुआत समय पर उठकर ही हमें करनी चाहिए. मेहनती बनो किसान के जैसे, दिन में काम रात में विश्राम करो. किसान कैसे होते हैं, वे बहुत मेहनती होते हैं, वो एकदम तड़के ही उठ जाते हैं, सुबह सुबह ही उठ जाते हैं. तो वैसे ही हमें बनने का को कहा जा रहा है. किसान क्या करते हैं, दिन में दिन भर काम करते हैं और रात में विश्राम करते हैं. जो करेगा मान समय का, वह कभी नहीं पछताएगा. मतलब समय के इम्पोर्टेंस को जो समझेगा वो कभी भी नहीं पछताएगा. जीवन उसका सुखी बनेगा, मनचाही सफलता पाएगा. इसमें कहा जा रहा है कि जो समय का सम्मान करेगा वो कभी भी नहीं पछताएगा और जीवन उसका बहुत सुखी हो जाएगा और वो क्या, मनचाही सफलता पाएगा. तो स्टूडेंट्स, हमें हमेशा समय का सम्मान करना चाहिए. जीवन में सबसे बड़ा धन और सुख स्वस्थ शरीर होता है. यदि शरीर रोगों से ग्रस्त होगा तो आदमी के पास भले ही कितना धन हो, सुख उसके बिना नहीं, उसके बिना जीवन सुखी नहीं रहता है ना. विद्यार्थी जीवन का तो नियम ही यही होता है कि वह समय का पाबंद रहे और अपना काम समय पर करे, उच्च विचार रहे, सादगी का पालन करे और नित्य नए नए विचार को ग्रहण करके अपने जीवन की सफलता को निश्चित कर ले, है ना. इसलिए इन बातों पर अभी से आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है. तो आप लोग आज के बाद क्या करोगे कि समय का मान करोगे और सुबह सवेरे जल्दी उठोगे, अपने माता पिता का पैर छुओगे, उसके बाद कोई काम अपना शुरू करोगे. स्टूडेंट्स, इस पोयम को आप लोग अच्छे से रीड करोगे, ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक,
लास्ट पैरा तक अच्छे से आप लोग रीड करोगे, और पोएट नेम भी रीड करना है, और इसको हिंदी रीडर की नोटबुक में लिखना भी है आपको, और 2-3 बार इसको रीड करोगे और इसको लर्न भी करोगे, ठीक है। मे बी एग्ज़ाम में ये पोएम आ भी सकता है, इसलिए आप लोग अभी से इसको लर्न करना स्टार्ट कर दीजिए। और ये जो शब्द अर्थ है, भोर, सुबह, स्वर्णिम, पीली, सुनहरी, ये पूरा यहाँ से लेकर के सफलता तक आप लोग अपनी हिंदी की नोटबुक में सुंदर से राइटिंग में लिखोगे। सबसे पहले आप लोग क्या लिखोगे, पोयम लिखोगे, देयर आफ्टर यू विल राइट शब्द और उनके अर्थ। सुंदर हैंडराइटिंग में लिखनी है आप लोगों को, ठीक है, एकदम वेरी वेरी ऐसा हो कि आपका नोटबुक अगर स्कूल में सबमिट हो तो उसमें एक्सीलेंट मुझे देना पड़े, है ना। तो आप लोग एकदम नीट एंड क्लीन लिखोगे जिसमें वेरी वेरी गुड मिले आप लोगों को। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर बताऊंगी। टिल दैट थैंक यू।